जरूर बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है ये नाश्ता। आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए, जैसे मैंने बनाया रेसिपी को पूरा जरूर देखें। हेलो फ्रेंड, नीतू की रसोई ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज रेसिपी लेके आए हम चना फ्राई मसाला। तो इसको बहुत ही अच्छे लगते हैं सुबह सुबह से नाश्ते में खाना। तो हमने इसके लिए प्याज ली है, एक हरी मिर्ची ली बारीक कटी हुई। तो अब इसको हम इसका पानी सुखो लेंगे। पहले मैंने थोड़ा डाल लिया था कढ़ाई में, तो इसमें धुआं छोड़ दिया है, थोड़ा थोड़ा पानी सूख लिया है। अब फिर से डालेंगे इसको कढ़ाई में। तो हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, तो इसमें डाल देंगे चना। काला चना लिया है मैंने, काला चना बहुत अच्छा होता है सुबह सुबह खाना। आप इसको भिगो के भी खाइएगा। तो अब इसका पानी सुखो लेंगे पहले 1-2 मिनट अच्छे से चला के। देखिए इसका पानी सूख गया, हमें इसमें 2 मिनट लगे हैं। देखिए चने फूटने भी लग गए हैं। इस तरीके से आप पानी सुखो लें पहले कढ़ाई में डाल के। और इसके आप इसको धूप में भी सुखा सकते हैं थोड़ा, पर धूप से ज़्यादा टेस्ट नहीं आएगा। आप इस कढ़ाई में ही सुखो लें इसका पानी चने का। आप डाल दें 1 छोटा चम्मच तेल, आधा और डाल दें चने के हिसाब से इसमें तेल डाल दें। अब इसको मिक्स कर लें अच्छे से। चना देखिए कितना शाइनिंग डार दिख रहा है तेल से। अब इसको थोड़ा तेल में पकाएंगे, इसी में हम मसाले डालेंगे। 1 चम्मच जीरा डाल देंगे इसमें, जीरे से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, जीरा ज़रूर डालें। यहीं पे डाल देंगे प्याज, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई जो हमने ली थी, साथ ही में इसको भून लेंगे। ज़्यादा ना भूनें, इतना ही भूनें क्योंकि इसमें अच्छा टेस्ट आएगा कम भूनने से। साथ ही में डाल देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, यहीं पे डाल देंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप गरम मसाला ज़रूर डालें। साथ ही में डाल देंगे 1/2 स्वाद अनुसार नमक। हमने सफ़ेद वाला नमक लिया है। और साथ ही में डाल देंगे हमने 1/2 टमाटर काट के लिया। अब इनको मिक्स कर लें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों में जरूर शेयर करें। हमारा चना मसाला बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इस तरीके से हमारा चना मसाला बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार जरूर बना के खाइए नाश्ते में। आप खाइए, सबको खिलाइए, बच्चों को दीजिए। और साथ ही में डाल देंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डालिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तैयार है, अब इसको हम सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। तो देखिए फ्रेंड, हमने सर्व कर लिया, हमारा बनके तैयार है। देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप सुबह सुबह ज़रूर बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है ये नाश्ता। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, जैसे मैंने बनाया रेसिपी को पूरा ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। जब तक लिखे बाय।